बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। मेरी तरफ़ से और मेरे घर वालों की तरफ से यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। आज हम मटन बनाने जा रहे हैं, आए देखते हैं कैसे बनता है। व्यूअर्स, हमने मटन लिया हड्डी वाला, कुकर में डालते हैं, हड्डियाँ नीचे रखते हैं। व्यूअर्स, गोश्त डालते हैं हम, दो प्याज के बूटे लिए थे काट लिया, वो डाल देते हैं। उसके बाद थूम हमने पीस लिया, वो डाल देते हैं। अदरक वो भी हमने पीस ली थी, वो भी डाल देते हैं। उसके बाद एक दो टमाटर लिया बड़े वाला, वो भी हम डाल देते हैं बीच में। व्यूअर्स, 1.5 चम्मच हमने नमक के लिए, 1 चम्मच हल्दी की और 2 चम्मच काली मिर्च, ये भी डाल देते हैं। व्यूअर्स, में हम 2 ग्लास पानी के शामिल करते हैं। ये देखें, 2 ग्लास हमने पानी के ऐड किए। कुकर को हम बंद कर देते हैं। वेट हम लगा देते हैं इसको, तकरीबन आधे घंटे के लिए हम आंच को तेज कर देते हैं। बस देखें, कुकर हमारा चल रहा है, बस आधा घंटा होने वाला है, 10 मिनट रह गए हैं। आधा घंटा हो गया, हम चूल्हे को ऑफ कर देते हैं ताकि इसका प्रेशर वगैरह निकल जाए। उसके बाद इसको हम ओपन करते हैं और चेक करते हैं। आइए अब इसको खोलते हैं। व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह हमारा गोश्त देखें गल गया। ये देखें, माशाल्लाह बेहतरीन गल है। छिलके हम निकाल लेते हैं टमाटरों के। पानी बीच में थोड़ा सा बचा है। आए आग जलाते हैं और इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं और इसको भून लेते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं। अब इसको भून लेते हैं।
नमक चेक करते हैं। नमक बेहतरीन है। आए अब इसको डिश आउट करते हैं। व्यूवर्स देखें, हमारा मटन बन के तैयार हो गया है, कितना मज़े का है। और बोटी भी देखें व्यूवर्स, वो भी गल चुकी है। काली मिर्च और नमक डाला है, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, बस ये चीज़ें शामिल की है हमने। ऊपर नींबू डालें और नान या रोगनी नान से खाएं, रोटी से खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा, ऐसे भी खाएं। व्यूवर्स, हमारी डिश आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, नए आने वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।